दादी भी कहती थी, गौरव भाई सुनना, दादी भी कहती थी गरीबी हटा देंगे, दादी भी कहती थी गरीबी हटा देंगे, उनके बेटे राजीव जी भी कहते थे गरीबी हटा देंगे, उनकी बाद सोनिया जी का भी मानना था गरीबी हटा देंगे, राहुल भी मानते हैं गरीबी हटा देंगे। अब बताओ दोस्तों देश का सबसे बड़ा जुमला कौन सा है ये बता ही दो। देश का सबसे बड़ा जुमला गरीबी हटाओ का है मेरे भाई, उसका तो जवाब दो। अब गा के देना भाई, पहले ये बता दो ये मफलर किसका है। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। अमित शाह का नाम हमने शहंशाह इसलिए रखा है, उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। डकैती की बात करते हो? अच्छा, ये आ रहा हूं। डकैती की बात सब चीजों के बीच सब लिख लिया। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस को जो भी कैंडिडेट हराएगा वो उसको समर्थन देने को तैयार है। उनकी तो हालत ऐसी ही है, मगर मैं जवाब एक एक देता हूँ। देखिए, पहले तो आप डरे हुए हैं? डरे तो नहीं हुए ना? उन्होंने कहा कि आप सब डरे हुए हैं, आप डरे तो नहीं हुए ना? ये डरे नहीं, इतने डरे हुए कि बता भी नहीं पा रहे। ठीक है, आप बता नहीं पा रहे, बताइए, खुल के बताइए, आप लोग सब डरे हुए हैं? ये सारे डरे हुए हैं, बस ये कांग्रेस वाले डरे नहीं हुए, बाकी सब डरे हुए हैं। खैर, दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ हाँ, आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेज ही हूँ, आप जान नहीं पा रहे, मैं अंग्रेज ही हूँ, मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था, ये भी बताया। मैं अंग्रेज हूँ, इसमें कोई शक नहीं। बताइए, मतलब जिसके घर में अध्यक्षा और उनके सुपुत्र सब विदेश के हैं, वो सुबह शाम हमें अंग्रेज कहते हैं। बट मेरे को अच्छे से देखिए, मैं अंग्रेज दिखता हूँ। उसके बाद इन्होंने डकैती की बात की। अब देखिए, जमीन किसके पास कितनी है, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान की जमीन, अगर आप जाके मंगल ग्रह में भी और बृहस्पति में भी जमीन देखेंगे तो वहां भी वाड्रा की कंपनी चल रही है, वहां भी जमीन लिया। सर, हर बार छोटी छोटी बात पे करके कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। सर, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब ने तो कुछ नहीं किया था शायद। जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वैसे सोनिया गांधी लड़ रही थी झुमरी तलैया से तलवार लेके, देखा तो नहीं आपने? जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अजय बिष्ट जी को कितनी बारी दिल्ली बुलाया गया मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ, वो आए नहीं। और ये हाल हो गया कि प्रधानमंत्री की तस्वीर को भी उत्तर प्रदेश के अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उससे मोदी जी का जो छवि, उसको उड़ा दिया गया। ये बात हम सब जानते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के और अजय बिष्ट जी माननीय मुख्यमंत्री, उनके बीच में क्या चल रहा है ये भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। मैं ये सवाल कई बार कांग्रेस प्रवक्ताओं से पूछना चाहता था, मैं उसका जवाब आज पूछ ही लूं आपसे। बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिस नाम से वो जाने जाते हैं यार, योगी आदित्यनाथ, उससे क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों उनका पुराना नाम, उनके इस प्रथा, इस पंथ में आने से पहले का नाम अजय सिंह बिष्ट, वो आप लोग उससे उनको बुलाते हैं? सीधी सी बात है, जिनका नाम जो है उसी नाम से बुलाते हैं। अजय बिष्ट जी ने कहीं इनकार किया क्या उनका नाम अजय बिष्ट है? तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा, पूरी दुनिया उनको योगी आदित्यनाथ ही बुलाती है, लेकिन कांग्रेस का कोई आदमी उनको इस नाम से नहीं बुलाना चाहता। आप पूरी दुनिया क्या बुलाती है मुझे नहीं पता, जो उनका नाम है हम उनको उनके नाम से बुला रहे हैं। नाम पर उनको शर्म क्यों आनी चाहिए? नाम तो नाम होता है, माता पिता आपको आपका नाम देते हैं। नहीं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि उससे कोई आपत्ति है। जरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए सौरभ जी, हमारे विधायक नाराज हैं और योगी आदित्यनाथ जी को मोदी जी फोन करके बुलाते हैं और योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली नहीं आते हैं, ये सब एंटोनियो माइनो जी को कैसे पता है? कैसे पता है, मैं जानना चाहूंगा। क्या प्रधानमंत्री जी ने एंटोनियो माइनो जी को ये बताया या फिर योगी जी ने एंटोनियो माइनो जी को ये बताया?
किसी ने नहीं बताया। ये बैठ के अपने घर में अटकलें लगाते रहे हमें कोई आपको भी नहीं, आपको सोनिया गांधी कहना अच्छा नहीं लगता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नाम में क्या रखा है, माता पिता ने नाम दिया है एंटोनियो माइनो इतने प्यार से, जैसे अजय बिष्ट नाम दिया है माता पिता ने इतने प्यार से, तो एंटोनियो माइनो भी तो बड़े प्यार से ही नाम दिया है ना। चल बंद कर सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शान पति चल छोटे कम कर। लेकिन मैं संदीप पात्र जी से पूछना चाहती हूँ कि हिंदू होने का क्या आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सारे दूसरे लोगों को, हाँ जो भी आपका नाम है। नानी ओमाए वा मो सिंदेरु, संबित जी जवाब दीजिए। देखिए मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूँ कि रिहाना मैडम ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। सायना जावेद, सायना रिहाना मैडम हाँ, तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, ये शाहिना जावेद, शाहिना जावेद, ये आपका चाइना, चाइना ठीक है, चाइना मैडम से मैं पूछ लेता हूँ। देखिए मैं भी आज सुबह उठ करके 9:30 जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा, मैं लिखित में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आया हूँ राहुल गांधी। वैसे तो मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा इतना छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मैंने देखा नहीं था। राहुल गांधी आए, उन्होंने मीडिया वालों को कहा कि कैसे हैं, लोकतंत्र समाप्त हो गया, आप लोग कैसे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त, अब आप लोग प्रश्न उत्तर पूछिए। मैडम अलका लांबा, इस पे आपको कुछ बोलना है क्या? देखिए मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के फ्रिंज एलिमेंट कह रही हूँ प्रवक्ता जो है वो कांग्रेस की खासतौर से श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत गंभीरता से सुनते और देखते हैं। अरे गंभीरता के साथ नहीं बहन, मजे लेने के लिए देखते हैं, जीवन में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। म्यूजिक जब आप उठाते हो ना तो चार उंगली आपके तरफ आती है प्राची जी, ये कभी भूलिएगा मत। अरे सर मुझसे मत बात करिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे शिकायत करिए। अखिलेश जी एक उंगली उठाते हो तो चार उंगली अपने तरफ कैसे होती है ये समझाइए, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। एक उंगली उठाता हूँ तो तीन उंगली अपनी तरफ होती है, आपने कहा एक उंगली उठाते हो तो चार उंगली अपनी तरफ हो जाती है। नहीं नहीं मैं मुझे समझाओ पहले। प्राची जी पहले तो मैं समझ में नहीं आया, इन्होंने कहा कि जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो चार उंगली हमारे तरफ हो जाता है, चार उंगली तो मेरा हो ही नहीं रहा है हमारे तरफ, तीन उंगली हो रहा है, चार उंगली नहीं हो रहा है। अखिलेश जी जरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि चार उंगली कैसे होता है। अखिलेश जी जरा वो डेमोन्स्ट्रेशन करिए थोड़ा सा, चार उंगली कैसे होता है हमारे तरफ। अखिलेश जी अखिलेश जी गजब तो भी आ चीन का नाम क्यों नहीं लिया? प्रकार से शर्माने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी आप चीन का नाम क्यों नहीं लिया? चीन वालों ने तो नोटिफिकेशन भी इशू कर दी, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से डर का मैसेज भी आ गया, विस्तारवादी ताकत तो चीन भी समझ गया। ये लद्दाख में जाके जो भाषण 11,000 के फीट पर दिया था, क्या सीरिया के लिए दिया था या श्रीलंका के लिए दिया था या ये होनोलुलु के लिए दिया था, बैंकॉक के लिए दिया था? समझने वाले इतना भी नहीं समझ सकते चीन के लिए दिया था? और नाम लेना आवश्यक नहीं होता हर जगह। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं अभी कहूंगा 50 साल का नासमझ बच्चा, मैंने नाम लिया मगर समझने वाले समझ गए कि 50 साल का नासमझ लड़का कौन है। मैं कहूंगा वो माँ जो बेल पे बाहर है, मैंने नाम लिया मगर समझने वाले समझ गए कि कौन सी वो माँ है और कौन सा वो बेटा है, दोनों बेल पे बाहर है, हमेशा नाम लेने की आवश्यकता नहीं। मैं कहूंगा हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया मगर समझने वाले समझ गए कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार कौन है। मैं नाम नहीं लूंगा मगर मैं कहूंगा कि देखो एक ऐसा परिवार था जो चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़ा गया था डोकलाम के समय, साजिशें करते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ, उनकी फोटो भी आई थी। मैंने नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया मगर समझने वाले समझ गए कि वो धोखेबाजी कौन सा परिवार कर रहा था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, मजा आया।